बात करेंगे दुर्ग की। विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया और बड़ी संख्या में इस दौरान लोग शामिल हुए। प्रशासन और पुलिस को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौ हत्या के विरोध में ये घेराव आज फिर किया गया था। कल रात को भी ऐसी ही नाराजगी देखने को मिली। उधर 10 जून को ही हिंसा के 14 दिन के बाद बलौदा बाजार में कामकाज अब पटरी पर लौटने लगा है। 14 दिनों के बाद कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रेस्टोरेशन का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने यहां 24 घंटे लगातार काम कराया। जिला पंचायत कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में भी रेस्टोरेशन का काम पूरा हो चुका है। बलौदा बाजार में हुए 10 मई को हिंसा प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया है। जिला प्रशासन की मदद से रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा रणनीति बनाकर इस कार्य को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग लगातार 24 घंटे यहाँ पर कार्य करती रही और जिला प्रशासन भी इस पे पूरी तरह से मुस्तैद रही। ये वो जगह है जहाँ पर पत्थर से सिलसिले पूरी तरह से टूट चुके थे। रेस्टोरेशन का कार्य किया गया, इससे जो नए पुराने शीशे हैं उसको नया शीशा है उसको लगा दिया गया है। ये पूरा जो काम है मुख्यमंत्री के निर्देश पर केवल जिला प्रशासन द्वारा 14 दिनों में पूरी तरह से कर लिया गया है। कैमरा पर्सन देवा के साथ योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदा बाजार। न कोई साजो सामान, न कोई बड़ा अस्पताल, बिना ऑपरेशन के एक छोटे से कमरे में लोगों का इलाज हो जाता है। ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि इन्हें विरासत में आयुर्वेद का ज्ञान मिला है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों का निशुल्क उपचार करते हैं। देखिए, ये वैद्यराज मुकेश कुमार हैं जिन्हें विरासत में आयुर्वेद का ज्ञान मिला है और अब ये अपने ज्ञान से वो कर रहे हैं जिसके लिए शासन प्रशासन अभियान चलाता है, वो है नशा मुक्ति। वैद्यराज मुकेश अब नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। कई जड़ी बूटियों को खोजा है और खोज रहे हैं और दावा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नशा से छुटकारा दिलवाया है। नशा छुड़ाने का 2015 से चालू हुआ, मतलब पहले कर रहे थे लेकिन बहुत कम, लेकिन 2015 से बहुत ज्यादा हुआ। अभी तक लगभग 1,70,000 के आसपास हो गए हैं नशा छोड़े चुके वाले और अभी भी हर शनिवार रविवार को 100-150 लोग रहते थे। मुकेश अपने आयुर्वेदिक ज्ञान से सिर्फ नशा मुक्ति ही नहीं बल्कि शुगर जैसी बीमारियां या फिर जानलेवा कैंसर सभी का इलाज करते हैं। वे नाड़ी देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। इसके लिए वो मोटी मोटी किताबें नहीं बल्कि जंगलों में जाकर उन पेड़ों और जड़ी बूटियों को ढूंढते हैं जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अभी सबसे ज़्यादा सिकलिंग का है, शुगर का है, बीपी, पथरी, अल्सर, टीबी, नशा छोड़ाने का सबसे ज़्यादा है। वैद्यराज प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं। जिनका इलाज किया है कहते हैं वही प्रचार का जरिया है। अपनी पत्नी के साथ दुर्ग से आए आनंद देव ने बताया कि इनकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है, उनके परिचित को कैंसर था, यहाँ के इलाज से ठीक हुए, उनसे जानकारी मिलने पर पत्नी को लेकर पहुँचे हैं। एक हमारे ही घर के नज़दीक रहने वाले भाई साहब से जानकारी मिली कि यहाँ पर कुंडा गांव के आगे जोबा गांव के पास में मुकेश जी करके वैद्यराज हैं, उनके पास में उपचार से ये खून का जो मात्रा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, बीमारी है, उपचार के लिए तो आना है, तो जानकारी प्राप्त हुई तो आए हैं। अब जो परिचित बताए हैं वो तो स्वयं भी अपने पिताजी का उपचार यहाँ पर करवाए हैं और उपचार के आधार पर वो तो काफ़ी संतुष्ट हैं। मुकेश ने मेडिकल की पढ़ाई तो नहीं की लेकिन जो विरासत में उन्हें ज्ञान मिला है उसका वो मुफ्त इलाज कर लोगों की मदद कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने का दावा कर रहे हैं। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज 18। डिजिटल युग में लालटेन युग की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, लेकिन सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 50 से ज्यादा परिवार आजादी के 75 साल के बाद भी
लालटेन युग में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। जिम्मेदारों को भी नहीं पता है कि गांव का एक छोर ऐसा भी है जहां पर बिजली नहीं है, और वो भी ऐसे राज्य में जो ये कहता है, जो दावा करता है कि हमारे यहां बिजली सरप्लस है। पता है उसका जो मजरा टोला है, पारा मोहल्ला होगा, वो विद्युतीकृत होने से वंचित होगा। सुन लिया, ये जनाब है बसंत सोम, जो सूरजपुर बिजली विभाग में कार्यपालन अभियंता के पद पर हैं। इनका काम है शहर और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, लेकिन इन्हें इतना भी नहीं पता है कि गांव का एक छोर ऐसा भी है जहां आबादी के 75 साल के बाद भी बिजली नहीं है। साहब कह रहे हैं हो सकता है पारा मोहल्ला में बिजली नहीं होगी। साहब बताएंगे हो सकता है क्या मतलब, क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि जहां की जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं, वहां की स्थिति क्या है, वहां कितने लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, वहां के युवाओं का भविष्य अंधेरे में गुजर रहा है। सर, हम लोग अंधेरा में जी रहे हैं। लाइट बत्ती कोई दिक्कत है नहीं है लाइट बत्ती। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने ट्वीट कर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 15 दिन के कामकाज और इंडिया गठबंधन की सरकारों की तुलना कर डाली। उन्होंने मोदी सरकार के 15 दिन के काम का उल्लेख करते हुए बताया कि किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी की गई और 3 करोड़ नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं इंडिया सरकार के कामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा हुई। उन्होंने इसी तरह दोनों के 10-10 कामों को गिनाया। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों।